They say that when you're in company of a living master, everything else changes. There are very few who've had the chance to be in presence of a living master. But not everyone is that unfortunate also. We get a chance to live the master's life in different ways. मैं बात कर रहा हूँ कुछ दिनों पहले या दो साल पहले आई एक फिल्म रेबेलियस फ्लावर की जिसने जिसने हमारे सद्गुरु के जीवन को एक तरीके से हमारे सामने रखने की का प्रयत्न किया और आज मेरे साथ में फिल्म रेबेलियस फ्लावर के डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर दोनों यहाँ पर मौजूद हैं दोनों ही मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और दोनों दो अलग उम्र के मित्र हैं मेरे लेकिन मैं कहना चाहूँगा छोटे ये हैं सबसे बालक जो बाल अवस्था में आज भी हैं स्वामी जगदीश भारती रेबेलियस फ्लावर के producer and creatively involved with the film from the scratch. और मेरे साथ मेरे बड़े अच्छे मित्र कृष्ण हुडा भी हैं जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और साथ ही साथ अब रेबेलियस फ्लावर पार्ट टू को लेकर इस प्रोजेक्ट को लेकर तैयार हैं. गाइज वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड. स्वामी जी मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा वाई रेबेलियस फ्लावर पार्ट टू. जब हमने रेबेलियस फ्लावर पहले बनाया था तो इसके आगे बनाने की हमारी कोई ऐसा कोई सपना नहीं था जी. लेकिन जब फिल्म शूट हो रहा था गाडावारा में हर जगह तो ऐसा माहौल बन रहा था कि हर कोई पूछ रहा था स्वामी जी इसके आगे वाला कब होगा आगे वाला कब होगा. लेकिन हमने फिल्म को ख़त्म ही इसको इस ढंग से किया था उस पहले फिल्म को रेबेलियस फ्लावर वन को कि आगे हमें नहीं बनाना है. लेकिन कुछ हालात ऐसे हुए अभी और बहुत सारे मित्रों का अनुरोध है हाँ कि अभी कुछ ऐसे फिल्में आ रही हैं और कुछ ऐसे खबरें भी आ रही हैं और छोटी छोटी चीज़ें ऐसे आई हैं जो किसी न किसी ढंग से ओशो को बड़े नेगेटिव अंदाज में पेश कर रहे हैं. तो वो हमें गवारा नहीं हुआ है और क्योंकि सद्गुरु के इस रूप में पेश करें और बात अधूरी है कहीं की बात उठा के कहीं रखा गया है और सारे अधूरे ढंग से रख रहे हैं तो हमारी बड़ी कामना है इस बात की कि इस बार मैं कोई ऐसा चीज़ पेश करूँ जिसमें सभी सद्गुरु के प्रेमियों का भी योगदान हो और ऐसा ना हो कि हमने ही बनाया और कृष्णा ने बनाया और मंत्रा जी ने मिलकर बनाया है ये सब ने मिलकर बनाया है कोई ऐसी चीज़ कि हम अपने तरफ से गुरु दक्षिणा अपने सद्गुरु को रखें. बहुत तो ये रेबेलियस फ्लावर टू हम इस ढंग से बनाना चाहते हैं हालांकि एक सपना है अभी तो सब कुछ सामने लेकिन हम लोग इसके प्रयास में लगे और हम चाहेंगे इसमें आप सब लोग योगदान करें और आप सबका भी योगदान हो क्योंकि मैं तो इस उम्र में क्या कर सकता हूँ सपना देख सकता हूँ और थोड़ा सा कुछ लिख के आगे चीज दे सकता हूँ बाकी सब तो इन नौजवानों को आगे करना है आप सबको करना है अब कैसे होता है दिखा जाएगा. बहुत खूब कृष्ण. ऑफ कोर्स रेबेलियस फ्लावर की पॉपुलैरिटी साफ जताती है कि किस तरीके से दुनिया भर में आज भी उनके बारे में चर्चा होती है और उनका चर्चा हो और कमरे में खलबली ना मचे ऐसा हो नहीं सकता. सो रेबेलियस फ्लावर वन की पॉपुलैरिटी के बारे में समथिंग. रेबेलियस फ्लावर की पॉपुलैरिटी में एक्चुअली तो मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी पॉपुलर हो जाएगी बिकॉज जब वो फिल्म बना रहे थे तो मैंने कुछ टेक्निक्स थी जो मैं प्रिसाइजली यूज़ करना चाह रहा था बिकॉज ये फिल्म उस एरा में है उस टाइम में है जो कि अभी से बहुत पहले था तो उस टाइम जितना साइलेंस था जितनी शांति होती थी वो आज की डेट में नहीं है. हमारी लाइफ में आसपास हर वक्त चहल पहल हम लोग इतने बिजी होते हैं कि बिल्कुल शांति के साथ में हमारा कोई ज़्यादा वास्ता है नहीं. तो मेरे को सबसे बड़ा रिस्क जो उसके साथ में ये लग रहा था कि अगर मैं वो शांति एक्चुअली क्रिएट करता हूँ तो क्या लोग उसके साथ रिलेट कर पाएंगे बिकॉज आजकल हम लोग फिल्म वगैरह भी देखते हैं तो इतनी पेसी होती हैं कि ऑडियंस के पास में अटेंशन स्पैन नहीं है ज़्यादा टाइम है नहीं लोगों के पास में कि वो किसी चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर पाएँ तो हर चीज़ बहुत जल्दी जल्दी हो रही होती है. तो वो एक बड़ा रिस्क था जो मैंने लिया था लेकिन जब वो फिल्म आई और लोगों का जो उसके ऊपर रिएक्शन आया तो आई वॉज सरप्राइज कि वो साइलेंस जो मुझे लग रहा था कि वर्क करना चाहिए या होना चाहिए उस कहानी के हिसाब से उन चीज़ों के हिसाब से और वो एक्चुअली वर्क किया. सो आई वॉज सरप्राइज कि भाई लोगों को वो चीज़ें अच्छी लग रही हैं और स्पेशली जैसे फेस्टिवल्स वगैरह ट्रैवल किया तो वहाँ पे जिस तरीके से लोगों ने रिएक्ट किया वो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोगों का ये रिएक्शन होगा कि लोगों को इतनी अच्छी लगेगी फिल्म. इनफैक्ट टेल अस अबाउट योर क्वेश्चन रेबेलियस फ्लावर के फेस्टिवल रन के बारे में अगर आप हमें कुछ बता सकें कहाँ कहाँ पर लोगों ने उसको किस किस किस्म से पसंद किया गया. आप खुद बाहर गए हैं. हाँ मतलब हम लोग काफ़ी फेस्टिवल्स में ट्रैवल किया मतलब फिल्म ने तो बहुत फेस्टिवल्स में ट्रैवल किया कुछ फेस्टिवल्स में मैंने भी ट्रैवल किया साथ में तो उसमें सबसे कमाल की चीज़ ये थी कि जिस भी फेस्टिवल में जा रहे थे बिकॉज ये पहले तो थोड़ी सी बिल्कुल अलग किस्म की फिल्म है वो जो रेगुलर फिल्म है किसी न किसी फॉर्म में आप हमेशा जो कहानियाँ बोलते हैं वो इस तरीके की कहानी जो कि शांति के बारे में बात करती है और अपने आप को जानने के बारे में बात करती है तो आपका कंपटीशन वैसे ही ख़त्म हो जाता है बिकॉज आप किसी के साथ कम्पीट नहीं कर रहे होते हैं.
सडनली सब्जेक्ट आपका इतना लॉग होता है. तो लोगों ने शायद रिबेलियस फ्लावर की वजह से बहुत रिबेलियस चीज़ें एक्सपेक्ट की थी, लेकिन वैसा कुछ रिबेलियस उनको दिखा नहीं, वो बड़ा इंटरनल वे में रिबेलियस था. तो वो एक बड़ी कमाल की चीज़ थी. तो वहाँ पे भी आई वाज सरप्राइज, लोग जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे फेस्टिवल्स वगैरह में, जैसे हम लोग इटली गए थे तो वहाँ पे लिटरली लोगों ने फिल्म देखने के बाद रो रहे थे. प्लस उनको एक और चीज़ जो बहुत कमाल की लगी वो थी खूबसूरत लोकेशंस, बिकॉज कहीं ना कहीं हिंदुस्तान से जब हम लोग रिलेट करते हैं तो गरीबी के साथ रिलेट करते हैं, ये करते हैं, बट वहाँ पे जिस तरीके से हम लोगों ने ट्रीट किया था फिल्म को, जो हमारा आइडिया था फिल्म को लेके, लोकेशंस को लेके, जहाँ जहाँ सदगुरु ने ट्रैवल किया था वो सब चीज़ें थी, वो लोगों को बहुत ब्यूटीफुल लगा, बिकॉज उसमें नेचर बहुत इन्वॉल्व था. इट वॉज नॉट अबाउट अ सिटी, इट वॉज मोर अबाउट द रूरल पार्ट ऑफ इंडिया. तो वहाँ जो खूबसूरती थी वो शायद पहली बार लोगों को इतना खूबसूरत वे में देखने को मिली, तो काफ़ी एक्साइटेड थे लोग उसको देखे. तो जहाँ पे भी हम गए थे ये एक चीज़ थी जो कॉमन थी सब जगह. बहुत खूब जी, बहुत खूब. स्वामी जी, बड़ा आनंद आता है आपसे हमेशा बातचीत करके. आप बेटूक जवाब देते हैं सवालों के, और कभी जिस तरीके से मास्टर के बारे में कहा जाता था कि कुछ तो लोग, कुछ तो ध्यान में लोग वस्त्र चढ़ाकर भी बात कहते हैं, पर कुछ है जो नग्न कह देते हैं. फिर तो मैं आपसे सीधा सीधा पूछना चाहता हूँ, ये जो आपने जैसे अभी बात कही कि पिछले कुछ दिनों में मास्टर को लेकर जिस किस्म की डॉक्यूमेंट्रीज या फिल्में सामने आई हैं जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, क्या आपका निशाना उसी तरफ है जो जंगली जंगली देशों के बारे में बात हो रही है, आई मीन टू से वाइल्ड वाइल्ड कंट्रीज? ऐसा नहीं, ऐसा मैं सीधी बात में, ओशो ने हमेशा कहा है कि अंधेरे से लड़ा नहीं जा सकता. बहुत खूब. हाँ, तो उसका एक ही उपाय है कि अब दिया जलाइए, अंधेरा अपने आप भाग जाएगा. तो हमारी फिल्म, ये जो फिल्म हमारा प्रयास है रेबेलियस फ्लावर 2, एक दिया जलाने के तरीके से है. हमें अंधेरे से लड़ना नहीं है, जाने कोई क्या कहे, किसने किस रूप में फिल्म बनाए, क्या मैं नहीं जानता भविष्य में क्या होने वाला, लेकिन हम एक दिया रखना चाहते हैं संसार के सामने, ताकि जो है वो अकेले अंधेरे के सामने एक दिया काफी है. स्वामी जी, 2018 चल रहा है, बहुत से हमारे व्यूअर्स इस वक्त होंगे जिन्होंने शायद मास्टर का नाम अभी, चूंकि उनकी वो खुद कम उम्र है, उन्होंने शायद ना सुना हो, और उनको इंट्रोड्यूस ही, वो इंट्रोड्यूस हुए ओशो से थ्रू दीज डॉक्यूमेंट्रीज जो आजकल सामने आ रही है, जिनमें एक बहुत ही कम दौर का एक टाइम पीरियड है ओशो की लाइफ का जो दिखाया गया है. अगर मैं उन लोगों को रेबेलियस फ्लावर की तरफ लाना चाहता हूं जो शायद ओशो से कभी जुड़े ना हो, व्हाट वुड यू लाइक टू टेल देम? क्या उनके लिए रेबेलियस फ्लावर 2 होगी? ये तो मैं नहीं कह सकता कि एक पार्टिकुलर किसी को तरफ उसको, क्या ये सिर्फ ओशो लवर्स के लिए है? एक चीज मैं आपको साफ साफ कह देना चाहता हूँ, ओशो हमेशा सदगुरु हमेशा जो है प्रचार के विरुद्ध थे, किसी भी रूप में प्रचार के विरुद्ध थे. उनका एक बड़ा क्लियर मैसेज था ये कि हमें कोई मिशनरी नहीं बनना है, बिल्कुल नहीं बनना है. आप सिर्फ दिया जलाओ, हाँ, और बाकी सारे बात अपने आप घटता जाएगा. जब जो परिपक्व होगा तभी वो समझ सकता है कुछ बातें, बिल्कुल से. तो वो अपने आप घटने, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप तो सिर्फ ध्यान में रमो और दिया को जलने दो, बाकी सब अपने काम होता जाएगा. आपको यूं नहीं कहना कि जाके बांटना है, इधर फैलाना है बात को, उसमें प्रयास मत करो. हाँ, लोगों तक पहुँचे, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों कहीं कोई ज़रूरत हो, कोई पुस्तक चाहिए किसी को, या उनको कोई मेरे वचन को मिस कर रहे हो सदगुरु के, ऐसा ना हो उनके पास ना पहुँचे. आप सिर्फ पहुँचाने का प्रयास करिए, लेकिन ज़बरदस्ती किसी थोपे नहीं, ये उनका खास करके निर्देश था. तो हम भी ऐसा नहीं चाहेंगे हमें किसी को जाके दिखाना है, जबरदस्ती लोगों तक पहुंचाना, हम तो मात्र एक दिया जलाने किसी को कन्वर्ट करने के लिए नहीं बैठे हैं. कोई मतलब नहीं है ओशो का, कहते नहीं ओशो, तो ओशो को तो अंतिम प्रयास यही था कि वो अपने आप से भी सबको मुक्त कर रहे थे. क्या बात, अपने तरफ से कोई खूटी ओशो नहीं देना चाहते थे कि बंधे बहुत किसी भी रूप में. अपने आप को भी उन्होंने पूरी तरह से मुक्त किया कि आप जो भी पाना आपको स्वयं पाना है, मैं तो सिर्फ आपको एक प्यास दे रहा हूँ. सारा जिंदगी उन्होंने पूरा समय सुबह शाम दिन रात सिर्फ एक ही काम में लगाया. कितना उन्होंने मेहनत किया वो सब इस हमारे जो अभी कृत्यम करने जा रहे हैं रेबेलियस फ्लावर देखेंगे. क्योंकि सदगुरु ने कहा था कि रामलीला जो स्टेज पे घटता है उसमें कुछ नहीं है, असली मजा तो स्टेज के पीछे है. तो इसमें भी जो है सदगुरु जो लीला रचाई वो तो सबके सामने अवेलेबल है, उसका रिकॉर्डेड वर्जन है, सब कुछ है, हर कोई जानता ही है. अब उसको लेके कोई उल्टा सीधा बनाए, डिस्टॉर्टेड वर्जन दिखाए, वो उनकी मर्जी है, जो मर्जी करे. हम तो ये दिखाना चाहते हैं कि वो जो स्टेज किया गया ओशो लीला उसके पीछे क्या है, उसके पीछे कितनी मेहनत हुई है और कितना सुंदर मंशा थी उसके पीछे, और वो सदगुरु का जो कितनी करुणा थी,
जो उन्होंने काम किया हम उस मेहनत को दिखाना चाहते हैं, किसी सुंदर रूप में, एक पोएट्री के रूप में दिखाना चाहते हैं, वो भी ऐसा नहीं है हमें बिल्कुल। और आपका अंदाज और जिस तरीके से आपने मास्टर को, सदगुरु को अप्रोच किया अपनी फिल्म के जरिए, रेबेलियस फ्लावर के जरिए, वो आपके तरीके से साफ झलकता है। अनलाइक जिस किस्म की चीजें हम आजकल कमर्शियल मार्केट में देख रहे हैं, स्वामी जगदीश भारती, योर ऑनेस्ट ओपिनियंस ऑन वाइल्ड वाइल्ड कंट्री, ये आपने बड़ा टेढ़ा प्रश्न पूछा है। क्या पता शायद इसे सुनने के लिए हमारे सुनने वाले जरूर ये जब ये वीडियो वायरल होगा तो उसमें लोग बोले कि भाई वो इंटरव्यू का 2 मिनट 30 सेकंड देखना, वहां पर स्वामी जी से पूछा गया था। सबसे बेकी किस्सा बता सकता हूँ। एक जमाने में शायद नए बच्चे तभी नहीं जानते होंगे, एक टेबलॉइड आता था यहाँ पे बड़ा मशहूर, आके करंजा निकालते थे, ब्लिट्स ब्लिट्स आया करता था, बड़ा मशहूर था उसमें, शायद 2.5-3 लाख प्रतियां छपती थी। 70 के दशक की बात कर रहे हैं, 60-70 अब उसके बाद भी आता था जी, उसमें कम से कम 3-4 पेज हमेशा हर पखवाड़े जो है हर फोर्टनाइटली ओशो के रूप में अलग अलग ढंग से मनगढ़ंत बातें, जितनी चीजें बढ़ा के अतिरंजित करके, उसका तरीका था, उसका स्टाइल ही यही था, और जो है वो छापता रहता था हमेशा। और आश्रम के जो करने वाले लोग हैं, और लोगों को बुरा भी लगता था कि इतना झूठ क्यों बोला, जबकि ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, जो यहाँ पे प्रयोग हो रहा है कुछ और ही है, और वहाँ कुछ रूप में जो प्रस्तुत कर रहे हैं दुनिया के सामने, बिल्कुल अलग अंदाज में प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रवोक कर रहे हैं लोगों के खिलाफ सदगुरु के जी। तो सदगुरु के पास लोग पहुँचे प्रतियां लेके, और उन्होंने, हालांकि सदगुरु तो हर चीज़ देखते थे, जो भी मीडिया में आता था हमेशा सबसे पहले उनके पास जाते, सबसे पहले उनको पूरा पता, तो हर चीज़ वो स्कैन करते थे अपने पूरा, उनको हर कुछ का पता रहता था। फिर वहाँ जाके लोगों ने अनुरोध किया कि आप कुछ करना चाहिए, कम से कम इनको अप्रोच करना चाहिए कि इतना तो झूठ मत बोलो। तो सदगुरु ने जो भी उस समय कार्य, उसका जो मैनेजर थे या जो भी देखते थे अपना आश्रम का काम, उनसे कहा कि भैया एक फ़ोन तो लगाओ आर के करंजिया को, और पूछो कि एक ब्रिट्स के एक पन्ने का एडवर्टीजमेंट का रेट क्या है। पिछले जमाने की बात है, उस जमाने में भी शायद 50,000 रुपया समथिंग एक पेज का, फुल पेज का रेट कोट किया जी। तो सदगुरु ने कहा भैया 2 लाख रुपया मुझे हर 15 दिन में मिलता है, तुम्हें तकलीफ होती है क्या, छापने में 2 लाख की मेरी कमाई है। तो ये अंदाज है, तो जो उन्होंने छापा, जो भी किया है वाइल्ड वाइल्ड कंट्री, वो वाइल्ड वाइल्ड गुरु को बढ़ाया ही है उनकी क्या बात? तो उनको कहीं ना कहीं दुनिया तक और पहुंचाएंगे ना, नुकसान का है क्या बात है, बहुत खूब है, दैट्स स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। कृष्ण, ऑफ कोर्स रेबेलियस फ्लावर का अंदाज कंप्लीटली अलग है, जिस किस्म से रिसेंटली जो कुछ हम देख रहे हैं, जिनके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, उस किस्म से मास्टर को अप्रोच नहीं करता है रेबेलियस फ्लावर, और स्पेशली आपकी कृति। रेबेलियस फ्लावर 2 की स्क्रिप्ट लेवल पे, जिन्होंने खासतौर पर रेबेलियस फ्लावर 1 देखी है, वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं रेबेलियस फ्लावर 2 में? क्या आप उनकी लाइफ को पूरा दर्शाने वाले हैं, क्या आप उनके लाइफ के मध्य भाग से उनके अंतिम भाग तक जाने वाले हैं, या ये फिल्म किस तरीके से पैंड आउट रहेगी? इसके अभी आई थिंक अभी तो हम लोग राइटिंग स्टेज में ही हैं, तो बहुत डिटेल तो उसके बारे में अभी नहीं बता सकते, बट हाँ डेफिनेटली जहाँ तक अभी कहानी पहुँची उसके आगे ही जाएगी, तो वो अभी वी आर इन राइटिंग स्टेज। इनफैक्ट स्वामी जी राइटिंग स्टेज में, तो आई थिंक ज़्यादा बेटर पोजीशन में ये चीज़ बताने के। स्वामी जी, हाँ, इसमें एक चीज़ मैं सबसे पहले जरूरी बताना चाहूँगा, और वो इस बच्चे के लिए, कृष्णा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम सदगुरु का चेहरा नहीं दिखाएंगे इसमें, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि मैं आपसे यही पूछने वाला था कि सीधी सी बात है, ओशो का किरदार निभाएंगे कौन, क्योंकि चारों तरफ लोग मोहनलाल की बातें कर रहे हैं, आमिर खान की बातें कर रहे हैं, आशुतोष राणा का नाम उछाला गया था बीच में कई सारी जगहों पर, तो खैर हमारे तरफ से उनसे आपसे हमने प्रयोग करने की कोशिश की थी, उसमें आशुतोष राणा जी ने बहुत कोऑपरेट किया जी, और भी कई लोगों से हमने देखा हमने करके, लेकिन बात मैंने बचपन से, मैं कुछ समय बर्मा में रहा हूँ जी, तो बौद्ध धर्म से मेरा करीबी रिश्ता रहा है जी, तो वहाँ वहाँ के जो बौद्ध के जो सदगुरुओं से मैंने सीखा है कि उनका ये मानना था कि बुद्धत्व की नकल कोई नहीं कर सकता। अब एक एक्टर है जो किसी भी तरह का एक्टिंग कर सकता है, राजा, रंक, भिखारी, यहाँ तक कि देवी देवताओं का भी वो एक्टिंग कर सकता है, बिल्कुल, लेकिन एक बुद्धा की नकल नहीं कर सकता। तो ये बहुत पुरानी मान्यता है कि बुद्धा की शक्ल नहीं दिखाते कभी किसी एक्टिंग में, मतलब रामलीला का मंचन होता है
लेकिन बुद्ध लीला का मंचन कहीं पे भी नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो और हिस्टोरिकली भी देखा गया है स्वामी जी की, जब भी किसी प्रॉफिट पर कहानी बनाई जाती है तो किसी एक्टर को शायद उसमें कास्ट नहीं किया जाता या उनको चेहरा नहीं दिखाया जाता। ये आमतौर पे जीसस पे भी फिल्म बहुत अच्छी बहुत पहले बनी थी जिसमें उनका चेहरा नहीं दिखाया था। और जहां तक मुझे हॉलीवुड की मशहूर फिल्म बेनहुर है जी, बेनहुर में उनका चेहरा नहीं दिखाया था, लेकिन बहुत सुंदर ढंग से उसको, आप कल मैसेज के बारे में बता रहे थे मुझे, और पैगंबर साहब एक बनी है हॉलीवुड की बड़ी मशहूर फिल्म बनी है, वो तो शायद अभी है भी नेट पे भी अवेलेबल है, उस समय तो नहीं अलाउ किया था। रिसेंटली नानक पर बनी एक फिल्म, उसमें भी उनको भी दर्शाया नहीं गया। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ बिल्कुल मशहूर फिल्म है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और कितना सुंदर ढंग से उसमें भगवान बुद्ध को दिखाया है, बगैर चेहरा दिखाए हुए, तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है कृष्ण आपके लिए। मौजूदगी जो है दिखाया गया कि जब ये इनका काफी बड़ा चैलेंज है। और ये पिछले बार जब इन्होंने चैलेंज ले लिया है कि इस भीड़ बड़े दौर में, इस शोर बड़े दौर में मौन को बांटना है, जब इस बार पिछले बार ये कामयाब हुए, इस बार भी सब कृष्णा कामयाब होगा मुझे पूरी उम्मीद है। बहुत बगैर हम चेहरा दिखाए, हम शिष्यों के द्वारा ये महसूस करेंगे कि सद्गुरु के पास बैठना और सद्गुरु की खुशबू क्या होती है, बिल्कुल ये हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, उनकी रोशनी क्या होती है, उस सूरज के सामने बैठ के जो उनका ओज जब आपके प्राणों को छूता है तो क्या एहसास होता है, वो सब चीजें हम इसमें दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत खूब। और स्वामी जी, आपसे मेरी कई बार चर्चा हो चुकी है कि दुनिया भर में मास्टर के चाहने वाले, उस ओशन में डूबने वाले लोग आज भी बड़ी मात्रा में है, जिन्होंने रेबेलियस फ्लावर, जिन्होंने रेबेलियस फ्लावर को बहुत पसंद किया। आप मुझे खुद बता रहे थे कि दुनिया के अलग अलग देशों से आपको फॉलोअर्स ने, लवर्स ने कॉल करा है, वो इस वक्त हमें देख रहे हैं, दे आर ऑल वॉचिंग अस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हु हैव बीन ओशो लवर्स फॉर इयर्स। हाउ कैन दे बी अ पार्ट ऑफ रेबेलियस फ्लावर पार्ट टू? ये हम बहुत जल्दी अपना वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं, rebelliousflower.in, उसमें सारा डिटेल में होगा कि हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, तन से, मन से, धन से, अपने टैलेंट से, और भी कई रूप है उसमें, सारा आपको डिटेल आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। वेबसाइट में बहुत जल्दी हम शुरू कर रहे हैं, और rebelliousflower.in, और जब तक आप हम देखेंगे तब तक वो ऑन हो चुका होगा, आप उसको देखिए और समझिए, और अब जरूर आप इसमें स्वागत है आपका, किसी भी रूप में आप आएँ और जुड़े हमसे, और इस काम को साकार होने में आप सबका योगदान चाहिए। ये मेरे ख्याल से वन ऑफ अ काइंड प्रोजेक्ट रहने वाला है, जहां पर ये फिल्म रेबेलियस फ्लावर पार्ट टू जब बनेगी, ये किसी एक इंसान के जरिए नहीं बनेगी, इसमें दुनिया भर से मास्टर के, सदगुरु के, ओशो रजनीश के लवर्स, उनके चाहने वाले अलग अलग रूप से जुड़ेंगे, एंड तब जाके रेबेलियस फ्लावर पार्ट टू बनेगी। व्हाट इज द प्लान कृष्ण फॉर रेबेलियस फ्लावर पार्ट टू, कब तक या किस किस्म से, एनी अपील टू आवर व्यूअर्स जो कि आपको इस वक्त देख रहे हैं? इसमें मेरी तरफ से सिर्फ यही अपील है कि सबका कंट्रीब्यूशन चाहिए, जो भी क्रिएटिव लोग हैं, जो फील्ड से फिल्मों से काम करते हैं, फिल्मों में काम करते हैं, तो वो लोग हमारे साथ में कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी वेबसाइट पे पूरी डिटेल्स होंगी जिसमें कि आप किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारे इस मेकिंग के प्रोसेस में, वो सारी डिटेल्स वहाँ पर होंगी, तो आप डायरेक्टली वेबसाइट पर जाएंगे, उसके बाद आपको सारी चीज़ें जो भी आपके सवाल हैं उनके सबके आंसर्स वहाँ पर मिल जाएंगे। तो भाई इसी के साथ रेबेलियस फ्लावर, पहले तो रेबेलियस फ्लावर की खुशबू ऑलरेडी पूरी दुनिया में छाई हुई, जरा सोचिए रेबेलियस फ्लावर पार्ट टू आएगी तो किस किस्म की क्रांति के बारे में हम बात कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स आज के इस दौर में जिस मौन की हमें आवश्यकता है, आइए उसी मौन की तरफ।